तो पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी 15,000 के अंदर आने वाले बेस्ट 5G स्मार्टफोन, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपका बजट है 20,000 रुपए और आपको मई के मंथ में बेस्ट 5G स्मार्टफोन चाहिए तो वो 5 स्मार्टफोन बताने वाला हूँ जो कि वैल्यू फॉर मनी होने वाले हैं और बढ़िया फीचर के साथ आएंगे। 5th नंबर पर आता है IQ Z9 5G। ये एक काफी अच्छा स्मार्टफोन है। इसके अंदर आपको 6.67 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलने वाली है और ये अमोलेड डिस्प्ले होगी जो कि 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है, बट ये पंच होल डिस्प्ले के साथ आने वाला है। इसके प्रोसेसर की बात करें तो मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7200 प्रोसेसर मिलेगा और ये 4nm के ऊपर काम करता है, तो प्रोसेसिंग आपकी काफी अच्छी हो जाएगी अगर आपको कुछ भी गेम खेलने हैं या फिर ओवरऑल परफॉर्मेंस करनी है। ये 8+128GB वाला वेरिएंट मिलेगा जिसके अंदर आपको 4x की रैम और UFS 2.2 का वर्जन मिलेगा। ओवरऑल एक एवरेज बजट स्मार्टफोन में ऐसा ही मिलता है, 3.1 होती तो और अच्छा होने वाला था। अगर इसके कैमरा की बात करें 50MP प्लस 2MP का OIS कैमरा आने वाला है और फ्रंट में आपको 16MP का कैमरा मिलेगा। OIS कैमरा होने की वजह से काफी अच्छी क्वालिटी आने वाली है और वीडियो भी स्टेबल हो जाती है। 5000mAh की बैटरी आएगी जो कि 44W की चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इसमें एंड्रॉइड 14 सपोर्ट करता है और 2 साल के सिक्योरिटी अपडेट आने वाले हैं। ये इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आएगा। अगर इसके प्राइस की बात करें तो 20,000 इसका प्राइस पड़ जाता है, ऑफर और सेल में और सस्ता हो सकता है। 4 Moto G84 5G। मोटो के स्मार्टफोन आजकल काफी अच्छे बनते जा रहे हैं और ये स्टॉक एंड्रॉइड के साथ भी आते हैं, यानी कि क्लीन एक्सपीरियंस मिलने वाला है। इसके फीचर्स की बात करें तो 6.5 इंच की फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले आएगी, 120Hz का रिफ्रेश रेट इसमें सपोर्ट करता है। इसके प्रोसेसर की बात करें तो स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर होने वाला है, तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन का मिलता है, बाकियों में मीडियाटेक का होता है, बट स्नैपड्रैगन का भी एक एवरेज सा हो जाता है क्योंकि आपको 695 मिलता है, बट इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफी बढ़िया हो जाती है। इसके 12GB प्लस 256GB वाले वेरिएंट का प्राइस 18,000 हो जाता है। इसमें भी आपको 4x का वेरिएंट और UFS 2.2 स्टोरेज मिलने वाली है। ये भी आपको 50MP के OIS कैमरा सेटअप के साथ मिलेगा, तो मोस्टली आजकल जो 20,000 का बजट है इसमें OIS मिल रहा है और इसमें फ्रंट में भी सेम 16MP का कैमरा आता है। इसकी बैटरी की बात करें तो 5000mAh की बैटरी होगी और 33W की चार्जिंग को सपोर्ट करती है। 33W एक काफी अच्छा नंबर है। इसमें एंड्रॉइड 13 होता है और 1 साल के अपडेट आते हैं। मोटो की खराब बात यही है, इसके अंदर अपडेट है वो काफी ज्यादा कम होते हैं और थोड़े लेट भी हो जाते हैं। 3rd लावा ब्लेज कर्व 5G। तो ये कर्व स्मार्टफोन होने वाला है और इसके अंदर आपको 6.7 इंच की फुल HD प्लस अमोलेड डिस्प्ले मिलेगी, 120Hz का रिफ्रेश रेट होने वाला है। इसके साथ आपको मीडियाटेक का प्रोसेसर मिलेगा जो कि 7050 होने वाला है, 6nm के ऊपर काम करता है। 7050 प्रोसेसर एक काफी अच्छा प्रोसेसर है, मीडियाटेक का आता है, परफॉर्मेंस काफी अच्छी मिलेगी, मल्टीटास्किंग में भी काफी अच्छे हो जाते हैं। इसके 8+128GB का प्राइस 18,000 हो जाता है और इसमें 5x की रैम और 3.1 की स्टोरेज मिलती है, तो ये काफी अच्छी स्पीड देने वाली है। कैमरा की बात करें तो 64MP का रेयर में कैमरा सेटअप होने वाला है। खास बात है इसका सेल्फी कैमरा, 32MP का फ्रंट कैमरा हो जाता है जिससे फोटोज काफी अच्छी आती हैं। बैटरी इसमें भी 5000mAh की आएगी और 33W की चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इसमें भी आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। ये भी एंड्रॉइड 13 के ऊपर काम करता है, बट इसमें 2 साल के OS अपडेट आने वाले हैं। मोस्टली इन सभी के अंदर आपको 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट भी मिल जाएंगे। 2nd रियलमी नार्जो 70 Pro 5G। इसमें आपको 6.67 इंच की OLED डिस्प्ले मिलेगी, ये सारे 120Hz को ही सपोर्ट करते हैं। रिफ्रेश रेट इन सभी का काफी अच्छा मिलता है। अगर इसके प्रोसेसर की बात करें तो आपको सेम प्रोसेसर मिलेगा, मीडियाटेक का 7050 और 6nm के ऊपर काम करता है, तो परफॉर्मेंस दोनों की सेम हो जाती है लगभग। इसके 8GB और 128GB का प्राइस 20,000 होने वाला है और ये 4x की रैम और 3.1 की UFS स्टोरेज वेरिएंट के साथ आएगा। कैमरा की बात करें तो 50MP प्लस 8MP का कैमरा सेटअप आएगा रेयर में, बट फ्रंट में यहाँ पर भी एक बड़ा कैमरा मिलता है जो कि 32MP का होने वाला है जिसे सेल्फी काफी बढ़िया बन जाती है। अगर बैटरी की बात करें तो 5000mAh की बैटरी आएगी और 67W की सुपर फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, एंड्रॉइड 14 और 2 साल के सिक्योरिटी अपडेट के साथ आने वाला है। ओवरऑल एक काफी अच्छा स्मार्टफोन हो जाता है। 1 पर आता है मोटोरोला Edge 40 Neo 5G। ये स्मार्टफोन मोटोरोला की ओर से आता है और आजकल मोटोरोला की ओर से काफी स्मार्टफोन आ रहे हैं। इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं। 6.67 इंच की फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले आएगी, 144Hz का रिफ्रेश रेट होने वाला है, डायमेंसिटी 7030 प्रोसेसर आएगा, 8GB की रैम और 128GB स्टोरेज। इसके 8GB प्लस 128GB का प्राइस आपको सेल में विद ऑफर लाकर 20,000 के आसपास पड़ जाएगा, अदरवाइज ये आपको 22,000 के आसपास पड़ सकता है। ये आपको 4X के साथ और UFS 2.2 वेरिएंट के साथ ही मिलेगा। 50 प्लस 13MP का OIS कैमरा सेटअप आएगा, 32MP का फ्रंट कैमरा होने वाला है, 5000mAh की बैटरी, 68W की चार्जिंग, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, एंड्रॉइड 13, IP68 की रेटिंग और 2+3 साल के अपडेट होने वाले हैं। तो इस स्मार्टफोन में IP68 की रेटिंग होने वाले है जो कि काफी बढ़िया
ज्यादा हो जाती है। ओवरऑल इसका प्राइस आपको ज्यादा ही मिलेगा, बट सेल में ऑफर अगर परचेज करोगे तो आपको सस्ता मिल जाएगा, जो कि 20,000 के अंदर हो जाता है। तो ये थे वो 5 स्मार्टफोन जो कि आपको 20,000 के अंदर मिलेंगे। मैंने 15,000 वाले के ऊपर वीडियो बनाई है, आप उसको भी दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।